कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आपकी लाइफ में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 111। दोस्तों, मैंने जैसे कि बोला था कि मैं एंजल नंबर पे वीडियो बनाऊंगी, तो आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक वीडियो लेके एंजल नंबर के ऊपर। एंजल नंबर क्या होते हैं? एंजल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हमें राइट पाथ दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, और जो हमारे एंजल्स होते हैं वो हमसे उन नंबर्स के ज़रिए बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करती हूँ। एंजल्स नंबर, आज हम एंजल नंबर 520 जो मैंने एक पिछले सिनेमन वाली टेक्निक में भी उसको इस्तेमाल किया था, उसके उस नंबर के नोट को, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ये एंजल नंबर हमें कब दिखता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, और यूनिवर्स क्या करते हैं, हमें हमसे इन नंबर के ज़रिए हमसे बात करते हैं, राइट? तो चलें अब मैं बताती हूँ कि इस एंजल नंबर को करने का, लिखने का क्या फ़ायदा होता है। आप देखो कि मनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। लोग बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर आपके पास वेल्थ होती है तो आप अपनी हेल्थ का भी पूरी तरह से ध्यान रख पाते हो, राइट? तो इसके लिए हमें हमारे पास वेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, अपने आप को लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। तो चलें सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप मनी की रिस्पेक्ट करते हो तो मनी आपके पास भागी चली आती है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग मनी को ऐसे ट्रीट करते हैं, अरे ये तो 5 रुपए का नोट है, छोड़ो, 5 का क्या आएगा, अरे ये रुपए का सिक्का, छोड़ो इसकी जगह तुम रख लो। हम लोग ऐसे करते हैं, कई बार होता ना, हम चेंज नहीं मिलता तो, या चेंज हमें मिलता है क्वाइन के रूप में, तो हम क्या कर देते हैं, अरे नहीं नहीं तुम रखो तुम रखो, है ना, हम ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें मनी की रिस्पेक्ट करनी है। आप करके देखो, चीज़ 5 रुपए की हो, 50 रुपए की हो, 1 रुपए की हो, आती हमें मनी देने पे ही वो चीज़ मिलती है। कई बार हमें 1 रुपए की भी चीज़ चाहिए होती है ना, 1 रुपए की हमने कुछ लेना होता है तो हमें 1 रुपया भी कई बार मिलता नहीं है। हम अपने पर्स में ढूंढते हैं कि यार कुछ क्वाइन मिल जाए तो हमें हम इसका यूज़ कर लें। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मनी की रिस्पेक्ट करनी है। 1-1 रुपया जोड़ोगे तो 100 रुपए बनेंगे, ठीक है? आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं करोगे कि 1 रुपए का क्वाइन है तो इसको इधर रख दिया, इधर रख दिया। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे हमें छुट्टे मिलते हैं, हम कई छुट्टे कभी इधर रखते हैं, इधर रखते हैं। कुछ मैंने कई लोगों को देखा है कि जैसे ही उनके हाथ में पैसा आता है तो वो ऐसे फेंक देते हैं, बेड पे फेंक देते हैं, या ऐसे रख देते हैं बेपरवाह की तरह। जब भी आपने मनी को अट्रैक्ट करना है, सबसे पहले आपको मनी की रिस्पेक्ट करनी होगी, राइट? चलें अब मैं, इसके 3 स्टेप हैं इस एंजल नंबर के 520, इसके 3 स्टेप हैं। वो स्टेप क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। पहला स्टेप है इस नंबर की चैंटिंग करना। अब इस नंबर की हम चैंटिंग कितनी बार करेंगे? 108 बार करेंगे हम रात को सोने से पहले, या सुबह आफ्टर मेडिटेशन। अगर आपने मेरी मेडिटेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ ये आपके हित में है, आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देखोगे कि इसके आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? आपने इसको, आपने ऐसी एक डायरी लेनी है, ठीक है? 1 मिनट, आपने ऐसे एक जर्नल लेना है, डायरी लेनी है। अगर आप नहीं ले सकते, कोई सिंपल कॉपी ले लो, आम कॉपी जो हमें आराम से मिल जाती है, 10 रुपए की, 20 रुपए की, ठीक है? आपने उस कॉपी पे क्या करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ग्रीन कलर का पेन, ठीक है? तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप, आपने ग्रीन कलर के पेन से
अपनी डायरी में मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है कि मैंने ऐसी बहुत सी डायरी ऐसे जर्नल रखे हुए हैं, ठीक है। आपने ग्रीन कलर के पेन से आपने सिंपल एक नंबर लिखना है 520, बोलते हुए फीलिंग के साथ अपनी इंटेंशन के साथ 520 520। इस नंबर को हमने कितनी बार लिखना है, हमने ये देखो इस नंबर को हमने 108 बार लिखना है मॉर्निंग में। पहला स्टेप आफ्टर मेडिटेशन, इसको लिखना है हमने मॉर्निंग में, राइट। ये हो गया। फिर हमने क्या करना है, इस नंबर को हमने अपनी लेफ्ट साइड बॉडी के किसी भी पार्ट पे लिखना है। अगर आप थाई पे लिखते हो तो सबसे बेस्ट है, हाथ पे नहीं लिखना आपने, हाथ पे नहीं लिखना। हाथ पे क्या होता है, ये मिट जाता है। थाई मतलब ये भी होता है, आपने बाजू पे लिख सकते हो, लेकिन कई बार होता है कि हम स्लीवलेस डालते हैं तो पूछ लेते हैं दोस्त वगैरह कि ये क्या लिखा है उसको, तो बेटर है कि आप इस नंबर को अपनी थाई पे लिखोगे। आप इस नंबर को ऐसे लिखोगे 520 और इसके साथ आपने एनर्जी सर्कल बना देना है। ये आपने लिखा 520 और इसके ऐसे एनर्जी सर्कल बना देना है। और इसको कहाँ पे लिखना है, अपनी थाई के ऊपर लिखना है ग्रीन पेन के साथ। अच्छा, अब इसको लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपको डेली नहाना है, ठीक है। और इसको 21 डेज तक तो आपको लिखना ही लिखना है। वन मिनट, एक कॉल आ रही है, एक मिनट। ओके, चले, सॉरी एक कॉल थी, देख रही थी, वो थोड़ी जरूरी थी। चले, आपने पहला स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप हमारा, हमने इसको जर्नल में लिखना है 108 टाइम 21 डेज तक, ठीक है। ये मैंने लिखा है 21 डेज तक। फिर हमने अपने लेफ्ट साइड थाई के ऊपर 520 नंबर लिखना है विद एनर्जी सर्कल डालकर, और इसको साथ डालते हुए आपको अफर्मेशन बोलनी है। आपको कोई भी अफर्मेशन बोलनी है, जैसे कि अगर आपके पैसे कहीं रुके हुए हैं, ठीक है, किसी ने आपसे पैसे लिए और अभी तक वापस नहीं करे, तो आप क्या करोगे, आप इसको लिखते हुए उसको विजुलाइज करोगे कि मुझे उसने पैसे वापस कर दिए हैं, मुझे उसने मेरे पैसे, जितने पैसे दिए हैं 10 लाख रुपए, उसका बंदे का नाम लेते हुए आपने बोलना है कि उसने मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल नंबर 520, ठीक है। आपका ये हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, ये तो हो गया, आपने लिखना है, फिर आपने नहाना जरूर है। अगर इसको 21 डेज तक लिखना, इसको आपने लिखते रहना है, चाहे 21 डेज हो जाए, चाहे 40 डेज हो जाए, चाहे 3 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, राइट। इन जो हमने लिखना है ना, वो हमने 21 डेज तक लिखना है, ठीक है, 108 बारी, राइट। तो अब हमने ये लिख लिया, अब हमने थर्ड स्टेप क्या है, हमने इसकी चैंटिंग करनी है। चैंटिंग करनी है 520 520 520 520, ऐसी आपको इसकी चैंटिंग करनी है डेली। अच्छा, ये एक एंजल नंबर है, तो प्लीज आप इसकी रिस्पेक्ट जरूर करिएगा। आपने डेली नहाना है, नहाने के बाद आपने जो मेडिटेशन करनी है तो मेडिटेशन कर लो, आप पूजा करते हो तो पूजा कर लो। तो आपने क्या करना है, फिर एक अलग से पीस वाली जगह पे बैठना है जहां पे कोई शोर ना हो, और आपने जर्नल के ऊपर ये नंबर 108 बार लिखना है 21 डेज तक। फिर इसकी चैंटिंग करनी है, फिर नहाने के बाद इसको आपने लेफ्ट साइड अपने बॉडी पार्ट के ऊपर लिखना है। बस सिंपल सी ये टेक्निक है, आप करके देखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर रहे हो और आपको करोड़ों रुपए आने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं, आप देखोगे कि अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं या आपकी इंक्रीमेंट नहीं लग रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी सॉल्व हो जाएगी आपके धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे आप इसको इंटेंशली फीलिंग के साथ करते जाओगे, आप देखोगे कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपको
पैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं ये यूनिवर्स जानते हैं। अच्छा, अगर आप जब ये मनी, जैसे कि 21 डेज खत्म हो गए, ठीक है, आपने इसको कंप्लीट कर लिया, चैंटिंग नहीं आपने रोकी। कई बार होता है कि हमारे मन में, जब कभी भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो आपने क्या करना है, आपने इस नंबर का चैंट स्टार्ट कर देना है, 520 520 520, आपने ऐसे बोलते रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको सर्कल को डालते हुए विश करते हो तो आपने ये नहीं कहना कि यूनिवर्स मुझे करोड़ रुपए चाहिए, मुझे लाखें दो, मुझे नहीं पता मैंने ये मनी सर्कल डाला है तो आप मुझे ये बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने सर्कल को डालते हुए अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आप क्या बोलोगे, मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मनी मिरेकल देखना चाहती हूँ। ये आप तीन बार बोलोगे इस सर्कल को डालते हुए, मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मनी मिरेकल चाहता हूँ। डियरेस्ट एंजल नंबर 520, मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मनी मिरेकल चाहता हूँ। राइट, आपने तीन बार बोल लिया, इसको डाल दिया और बस दैट्स इट, भूल जाओ, ठीक है। अब सारा दिन ये नहीं सोचना यार मैंने चैंटिंग स्टार्ट करी है। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ, आपने कोई भी टेक्निक करो, कोई भी टेक्निक करते हो, आपने बिल्कुल भी सोचना नहीं है, करा लेट गो कर दिया, टेक्निक करी और लेट गो कर दी। आप इस एंजल नंबर को करके देखो, फिर आप मेरे को बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिले। अगर आपको जॉब में दिक्कत आ रही है आपकी, वो सॉल्व हो जाएगी, या आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं आपके, वो आ जाएंगे। काफी टाइम से आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो आपको पैसे लौटा नहीं रहा है, तो वो पैसे आपके वापस आ जाएंगे। आप इस चैंटिंग को, इसको लिखना, इसको चैंट करना और इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बनाना, आप देखो कि इसका मैजिक ही अलग है। राइट, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी एंजल नंबर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर आऊंगी एक नेक्स्ट एंजल नंबर के ऊपर। आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसके क्या रिजल्ट आए। मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बहुत सारा अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर।